पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार साइबर जागरूकता दिवस अभियान प्रारंभ किया गया है, जो प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को मनाया जाएगा, जिसके मद्देनजर बुधवार को विकास भवन के सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में साइबर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ओलेक्स फ्रॉड, वॉलेट, यूपीआई, बारकोड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, व्हाट्सएप हैकिंग से बचाओ, फर्जी वेबसाइट से होने वाले फ्रॉड तथा अन्य सोशल साइट से होने वाले फ्रॉड से संबंधित अपराधों के बारे में जानकारी के साथ उससे बचाव के विषय में बताया गया। इसके साथ ही खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकालने की दिशा में तुरंत 155260 पर कॉल करने हेतु बताया गया। इस अभियान के दौरान विकास भवन सभागार में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, डीपीओ, समाज कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बाल संरक्षण अधिकारी सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। लोगों को लगता है कि मामूली की चीज है, लेकिन एक्चुअल में जीमेल यानी गूगल एक्चुअल में आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है। आपकी क्या हैबिट्स हैं, वो शायद आपको उतने अच्छे तरीके से पता होंगे जितने तरीके से अच्छे तरीके से गूगल को। वो आप मोबाइल पर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देख सकते हैं कि जिस टाइम आप जो चीजें सर्च करते हैं। लेकिन ईमेल अगर उसके बाद भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो देन हमारा साइबर थाना है, और कभी भी हेजिटेशन, विदाउट हेजिटेशन आप वहां आइए एंड वी विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल। सर, आपको फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित थोड़ी सी कुछ जानकारी देंगे? मेजर जो साइबर क्राइम है सोशल मीडिया है, ऑनलाइन स्कैम या फ्रॉड है। सोशल मीडिया क्राइम है, सोशल मीडिया क्राइम है, ऑनलाइन स्कैम या फ्रॉड है, बैंक फ्रॉड है, डाटा भी सबसे इम्पोर्टेंट। जो आप किसी भी फोन कोई एक तो डर होता है हमारे सामने, एक शर्म होती है कि भाई गलती से भी अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है तो हम जो है डर के या शर्म के कहीं किसी से उसको शेयर नहीं कर पाते हैं और फिर उस अपराधी के चंगुल में फंसते जाते हैं और इसी वगैरह बता करके वो हमें अपने जाल में फंसाते हैं। 70 साल के पुरुषों को भी इसमें जो है ट्रैप किया जा रहा है, तो कभी भी कोई अननोन नंबर से अगर आपके पास कोई वीडियो कॉलिंग वगैरह आती है तो प्लीज डोंट शो योर फेस। आप ईमेल अगर आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप उस कॉल को पिक करना चाहते हैं तो आप उसको अपना फेस मत शो करिए, क्योंकि जहां आपने अपना फेस दिखाया आपकी फेस मॉर्फ कर ली जाती है किसी भी न्यूड बॉडी पे लगा करके एंड देन आपको वो ब्लैकमेलिंग के लिए स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो कभी भी जब आप लोग कोई भी वीडियो कॉल वगैरह जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ठीक है, जीमेल से ही आप फोन को अपडेट करना शुरू करते हैं। अगर आप अपने जीमेल अकाउंट को प्रोटेक्ट नहीं किए हुए हैं तो आपका फोन कभी भी यानी आपकी आपके फोन का पूरा डाटा हम चुरा सकते हैं। तो सबसे पहला तो काम आपको करना है कि अपने जितने भी अकाउंट है उनमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करना है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से फायदा ये होगा, अगर मैं आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों जानता रहूंगा उसके बाद